ये बार बार होता है, हरण भी कभी नहीं देती, इसी तरह पार हो जाती है। और नीचे में जो है पानी भरा हुआ है पूरा यहाँ से वहाँ तक, नीचे में भी आप वीडियो कर सकते हैं। और ये पैसा लेकर सब ठेकेदार भाग गया, ये रेलवे का कमजोरी। गोलगतनी समाचार बटुए नोखा से रिपोर्टर बानी मंटू कुमार चंद्रवंशी जी। खबर के हेडलाइन सुनी, नोखा में एगो ट्रेन के चपेट, महिला से एगो बाइक सवार के भइल मौत। खबर काबा विस्तार से जानी। खबर रोहतास नोखा से बटुए, रोहतास जिला के नोखा प्रखंड से बटुए, जहां आरा सासाराम रेल लाइन नोखा के नजदीक रेलवे फाटक पार करे के दौरान ट्रेन के चपेट, महिला से एगो बाइक सवार जेकर नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ बपन बबन बतावल जा रहा बा, बाजार करके अपना गाँव चनका रामपुर जात रहन, ट्रेन के चपेट में आवे से घटना स्थल पे ही इनकर जीव चल गए। ये घटना से आक्रोशित लोग पहले रेलवे ट्रैक के जाम कर दिले, फिर एक बाद आरा सासारा मुख्य पथ के भी जाम करके मुआवजा के मांग करत रहन, साथे साथ रेलवे फाटक पे मानव बल के तैनाती के मांग करत रहन। बतावल गई कि आरा सासाराम रेल लाइन के नोखा के पास रेलवे फाटक पार करे के दौरान एगो बाइक सवार ट्रेन के चपेट में आ गए, जौना से इनकर मौत हो गई। लोग बतावत रहन कि मानव रहित रेलवे फाटक खोखला से आइल दिन घटना होत रहता। घटना सुनते ही मौका पे नोखा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, नोखा सीओ सुमन कुमार, आरपीएफ के प्रशासन पी के रावत मौजूद रही। भोजपुरिया समाचार बता दो कि जब भी कहीं मानव रही जहां ड्यूटी नहीं खेलागल, ओजवा अगर फाटक पार करी तो दोनों तरफ देखी, दहीने देखी बाएँ देखी, एक बादे ट्रैक के पार करी, ना तो होनी अनहोनी केहू जानत नहीं से कब आ जाए। ऐसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करी कि कम से कम अपन परिवार के देख के, अपन घरबार के देख के बाइक चलाई, तो बाइक के सुरक्षित चलाई, या रेलवे क्रॉसिंग पार करी, या कोनो भी क्रॉसिंग पार करी, तो कम से कम क्रॉसिंग पार करत दाहिने या बाएँ एक नज़र दौड़ा ली तबे जाके करी, नहीं तो रोड़ा सामने दृश्य बटुए कि ये बेचारे संभवतः ना देखले हुए हैं, इनकर मोटरसाइकिल ट्रेन के चपेट में आ गए, जेकर बाद स्थिति ई बटुए सामने बटुए। बयान भी सुनाई ग्रामीण के भोजपुरिया समाचार, लेकिन उरा सबसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करला कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ताकि सबसे पहले रोड़ा भी खबर के सूचना मिल जाओ। आ चैनल सब्सक्राइब कैला के बाद लाइक के बटन दबा दी, या देखला के बाद शेयर करी, या कमेंट करके बताई कि भोजपुरिया समाचार ओरा कैसन लगता है। आ एक बाद रूरा बयान सुनी बारी बारी से कि ग्रामीण लोग जैसे जुटल रहे उ का कहत बड़ुए, बाकी देखत रहे शेयर करत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी बयान घटा है, ये आपके गाँव के बात है, कैसे घटना घटा थोड़ा सा बताइए। तो बराव से आज सामान लेकर जो ट्रेन पटरी पार कर रहे थे, और उधर से ट्रेन हॉर्न भी नहीं दी, ये बार बार होता है, हॉर्न भी कभी नहीं देती, इसी तरह पार हो जाती है। और नीचे में जो है पानी भरा हुआ है पूरा यहाँ से वहाँ तक, नीचे में भी आप वीडियो कर सकते हैं। और ये पैसा लेकर सब ठेकेदार भाग गया, ये रेलवे का कमजोरी है जो ये घटना हो रहा है। ऊपर वाला भी देख लीजिएगा। क्या नाम है भैया? मनीष कुमार। सब रेलवे का लापरवाही है, ठीक है। अगर यहाँ से जो नीचे पुल बना हुआ है उसमें छाती भर पानी लगा हुआ है, अगर पानी नहीं रहता, पानी तो उधर से रास्ता क्लियर रहता है, इधर घटने का चांस ही नहीं है। घटना कैसे पार कर रहे थे, लेकिन हॉर्न भी नहीं दिया और न यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, ना इसी के चलते घटना हुआ है। कितने बजे करीब? लगभग 9:30 बजे। ट्रेन किधर से किधर जा रही थी? ट्रेन आरा से सासाराम की तरफ जा रही थी। उसी दरमियान? क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। पिताजी का नाम? वीरेंद्र सिंह बबन सिंह। कहाँ का हुआ? चैनका।